हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जानना जरूरी है। लाइफ स्पैन उसको हिंदी में कहते हैं जीवन काल। तो लाइफ स्पैन का मतलब निकला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के टाइम को ये लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ एंड नेचुरल डेथ नोन एज लाइफ स्पैन। ये नहीं कि कोई बच्चा जन्म लिया और किसी कारणवश अचानक सडनली एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, हार्ट अटैक हो गया मर गया, या किसी और भी रीजन से मर गया, तो उसको लाइफ स्पैन कंसिडर नहीं करोगे। लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो लाइफ स्पैन फिर से याद करो, द ड्यूरेशन या द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को लाइफ स्पैन कहा गया। लाइफ स्पैन नॉट को रिलेटेड विथ दियर साइज, मतलब साइज से रिलेटेड नहीं है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े हैं, तो उनके साइज पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्रो की बात करें, क्रो और पैरट माने कौवा और तोता, दोनों का साइज लगभग लगभग देखेंगे आप सेम होता है। बट कौवा जो है 15 साल जिंदा रहता है और पैरट 140 इयर्स, ये उसका लाइफ स्पैन है। ठीक उसी प्रकार आप मैंगो ट्री देखें, बनियन ट्री देखें, तो मैंगो बनियन का साइज लगभग सेम है, बट बनियन ट्री 200 टू 300 इयर्स तक ये रहता है। तो इसका मतलब कि लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, हर ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित है, सर्टेन मतलब एक डेथ निश्चित है। माने लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक डेथ होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। बस डिपेंड ये करता है कि प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहती है टिल द डेथ, बट एनिमल की ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। तो उनका मरना ये तय है, निश्चित है। तो ये लिख सकते हो नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, सिंगल सेल का मतलब होता है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म का निश्चित नहीं है, माने निश्चित है, मरना तय है, माने इमोर्टल है, उनको अमर नहीं कहा जा सकता। नो इमोर्टल, बस दो को छोड़ के, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर ये बातों को हम लोग लिखेंगे कि लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन, तो इसका मीनिंग निकला द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन, इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो उसको लाइफ स्पैन कहा गया। अब लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइज। लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड, नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइज। लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइज पे डिपेंड नहीं होती है साइज। तो लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइज। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे देखिए पैरट,
और पैरेट कितना बताया, 140 ईयर्स, जबकि जो क्रो है 15 ईयर्स। इसका मतलब कि दोनों का साइज लगभग सेम है, बट लाइफ स्पन में देखिए क्या है, वेरी डिफरेंस। अब एक पॉइंट यहां पर और नोट करेंगे, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब इसके अंदर मोनेरा और ये प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये पॉइंट पढ़ना। उसके बाद आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 4 निकालना, तो लाइफ स्पैन का एक ये चार्ट है सभी एनिमल का, तो उनका लाइफ स्पैन देखें। तो जैसे मान लो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन पूछा जाए कितना है, तो आप 80 ईयर बताना, एलिफेंट 80 ईयर्स। जैसे रोज प्लांट का पूछा जाए, रोज प्लांट, तो रोज प्लांट का 5 to 7 ईयर्स बताएंगे। राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ बताएंगे, 3 to 4 मंथ। और बनियन ट्री, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, बनियन ट्री, तो बनियन ट्री का लाइफ स्पैन 200 ईयर्स ये होगा। इसके बाद बनाना की अगर बात करें, बनाना ट्री, तो बनाना टू ट्री है, उसकी लाइफ 25 ईयर्स, 25 ईयर्स बनाना का लाइफ पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एनिमल में जैसे देखें, ये डॉग की बात करें, 25 to 30 ईयर्स ये डॉग होता है। पैरट बताया ही, पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स। क्रो की बात करो, क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स। क्रोकोडाइल ये 100 ईयर्स, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन ये 100 ईयर्स होता है। और हार्स की बात करें, तो हार्स का लाइफ स्पैन 60 to 65 ईयर्स होता है। जैसे फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन ये होता है, फ्रूट फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला बोला जाता है, ये 1 मंथ होता है। और अगर बटरफ्लाई की पूछा जाए, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का बताएंगे 1 to 2 वीक, मतलब 15 1 to 2 वीक्स, ये 15 डेज तक मान लेंगे, 7 से लेके 14 दिन इसका बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होगा। तो ये लाइफ स्पैन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा किसका किसका लाइफ स्पैन क्या है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एबिलिटी होती है जो अपने तरह का प्रोजेनी बनाए। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी या इट्स ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन, जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, तो वहां पर बताया जाएगा कि वेरिएशन कैसे क्रिएट हुई और वेरिएशन कैसे ट्रांसफर होगी। तो मतलब इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब रिप्रोडक्शन के द्वारा ही उत्पन्न हुई। अब रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन मे आर नॉट, मतलब बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
किसी एक सिंगल पेरेंट्स होता है, एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट्स होता है जिसको मोनोपेरेंटल कहा जाता है, और सेक्सुअल बाईपेरेंटल होता है। ये जरूरी नहीं है, सेक्सुअल में भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जैसे आप अर्थवर्म की बात करें, टेपवर्म की बात करें, वहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन एक ही बॉडी के अंदर बन रहा है, तो ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट हुए, तो हर्माफ्रोडाइट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही एनिमल के अंदर हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाईपेरेंटल होना चाहिए, और एसेक्सुअल के लिए जनरली मोनोपेरेंटल होना चाहिए। एसेक्सुअल के अंदर वेरिएशन नहीं होता है, उसमें मियासिस सिंगैमी नहीं होता है, बट सेक्सुअल के लिए मियासिस और सिंगैमी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसकी बात हम करते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। जैसे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोला जाएगा मोनोपेरेंटल गैमिट फॉर्मेशन में और नॉट, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट नो मियासिस एंड सिंगैमी, लेकिन इसमें मियासिस और सिंगैमी नहीं होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये बाई पेरेंटल कहा जाएगा, बाई पेरेंटल, और अपोजिट सेक्स होने चाहिए। अपोजिट सेक्स का मतलब मेल फीमेल दोनों क्या हो, अलग अलग हो, मतलब सेपरेट हो, सेक्स से सेपरेट हो, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है कि सेक्सुअल बाई पेरेंटल, माने वन पेरेंट से भी हो सकता है, जैसे अर्थवर्म बताया हर्माफ्रोडाइट के अंदर। हाँ, लेकिन ये मस्ट है यहाँ पर ऑलवेज गैमिट फॉर्मेशन, इसमें गैमिट फॉर्मेशन मस्ट है, और इसके अंदर मियासिस और सिंगैमी भी मस्ट है। अब आप पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये बताएंगे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है, जैसे है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, अगर एसेक्सुअल की बात करें तो इसको बताएंगे कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व है तो उसको कहा जाएगा मोनोपेरेंटल। ये मोनोपेरेंटल हो गया सिंगल पेरेंट, इसमें क्या होगा दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा बाई पेरेंटल या मोनोपेरेंटल भी हो सकता है इनकेस ऑफ हर्माफ्रोडाइट। गैमिट फॉर्मेशन में या कह सकते हो नॉट, माने बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, और इसमें बताएंगे ऑलवेज, मतलब इसके अंदर गैमिट हमेशा बनना है, ऑलवेज गैमिट फॉर्मेशन। नो सिंगैमी, सिंगैमी मीन्स होता है इन गैमिट का फ्यूजन, तो ये सेक्सुअल में नो सिंगैमी, और इसमें क्या होगा सिंगैमी टेक प्लेस सिंगैमी इसमें होगा। नो मियासिस, इसके अंदर मियासिस डिवीजन नहीं होगा,
बट इनके केस में टेक प्लेस, मियासिस होगा, मियासिस मस्ट है, क्योंकि गैमिट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, अपेरेंट हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड है यहाँ, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए कोई जरूरी भी नहीं है, डिपेंड करता है कैसे, मतलब किस टाइप के पेरेंट हैं। अगर हैप्लॉयड पेरेंट है तो गैमिट माइटोसिस से बनाएंगे, और डिप्लॉयड पेरेंट है तो गैमिट मियासिस डिवीजन द्वारा बनाएंगे, और ये गैमिट के फ्यूजन को ही सिनगैमी के नाम से जाना जाता है। तो सेक्सुअल के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिनगैमी और मियासिस मस्ट है। ये सिनगैमी जब इसमें नहीं हुआ तो देखेंगे सभी जो प्रोजेनी बनेंगे वो पेरेंट की तरह के होंगे, इसका मतलब उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, इनमें वेरिएशन नहीं होगा, यहां पे वेरिएशन होगा, वेरिएशन इसके अंदर पाया जाएगा। इसका मतलब ये पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, ये सेक्सुअल में कॉपी रहता है पेरेंट का, और सेक्सुअल में क्या होता है डिफरेंसेस आ जाता है। जैसे हम लोग हैं, अब हम लोगों की प्रोजेनी में जरूर कुछ ना कुछ क्या होता है डिफरेंसेस पाया जाता है, तो डिफरेंसेस वो मियासिस डिवीजन के क्रॉसिंग ओवर के समय हो गया, और ए सेक्सुअल में मियासिस नहीं जब हुआ तो हाँ सेपरेट नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होगा, तो एकदम एग्जैक्ट वो कॉपी रहता अपने पेरेंट का। इसका मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीन कैरेक्टर हैं उनको हम लोग स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और सेक्सुअल के केस में ट्रांसफर करते हैं। इनकेस आप ए सेक्सुअल बताओगे स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ स्टोर किया जाता है, और ये बेटर होता है उसको ट्रांसफर करने में, तो बेटर ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर की बात करें तो बेटर कौन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये एसेक्सुअल जो है एक तरह से देखो इसको बोल सकते हैं कि ये फास्ट एंड सिंपल होता है, फास्ट और सिंपल होता है, ये पॉइंट याद करना। और सेक्सुअल को बोलेंगे कि ये प्रोसेस स्लो इलाबोरेट, स्लो इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, स्लो इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसका मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। भाई आप खुद ही सोच लो, चूंकि एक पेरेंट से बनाना है, आप एक पेरेंट को अगर सूटेबल कंडीशन नहीं दोगे तो हो सकता मर गया, डेथ हो गया, प्रोजेनी नहीं बना पाएगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, जबकि सेक्सुअल के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया, फास्ट और सिंपल, असेक्सुअल क्या बताया, स्लो इलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन के बारे में, तो क्लोन क्या होता है, किसी एक पेरेंट की किसी एक वेजिटेटिव सोमैटिक सेल को लिया गया, और उस सोमैटिक सेल के द्वारा उसी तरह का पेरेंट, उसी पेरेंट का एक प्रोजेनी बनाई गई, और वो प्रोजेनी एक इंडिविजुअल से बनी, सिंगल पेरेंट से बनी, मोनोपेरेंटल हुआ, और वो प्रोजेनी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, मतलब उस पेरेंट के एकदम मॉर्फोलॉजी में, उसके रूप रंग आकृति में और उसके जेनेटिक प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, एकदम उसका कॉपी रहेगा। तो कह सकते हो कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, नो मतलब चेंजिंग, तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली कॉपी ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड क्लोन। तो क्लोन क्या हुआ, मोनोपेरेंटल एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली इंडिविजुअल ऑफ द क्लोन। जैसे 10 अगर बनाए उसमें से एक का नाम अगर बात करें तो इंडिविजुअल ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रैमेट के नाम से जाना जाता है, तो इंडिविजुअल ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रैमेट कहेंगे। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कई तरीके से होता है, बहुत से मेथड है, जैसे एक आता है फ्यूजन, जैसे बाइनरी फ्यूजन की बात करो तो बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। इनकेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन माइटोटिक डिवीजन विच प्रोड्यूस टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन पेरेंट
बाइनरी फ्यूजन अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बाइनरी फ्यूजन ये ट्रांसवर्स भी होता है, बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ट्रांसवर्स इन केस ऑफ द पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल इन केस ऑफ द युग्लिना, अ सिंपल इन केस ऑफ द अमीबा एंड ऑब्लिक इन केस ऑफ द सिरेडियम. तो बाइनरी फ्यूजन अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ टू प्रोजेनी फ्रॉम वन पेरेंट्स, सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम और ऑब्लिक सिरेडियम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन इन युग्लिना. अब इसके बाद बाइनरी फ्यूजन के बाद मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं हो, तो जनरली प्रोटिस्टा के अंदर जो भी अमीबा वगैरह में देखा जाए, तो बॉडी ऑफ द अमीबा विड्रॉ सीडोपोडिया, वो सीडोपोडिया उसकी गायब हो जाएंगी और उनका शेप स्फेरिकल या स्टार लाइक हो जाएगा, एंड बॉडी आउटसाइड कवर्ड बाई ट्राइलेयर्ड सिस्ट वॉल विच इज द मेडअप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन. फिर से बात को देखें कि मल्टीपल फ्यूजन अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा विड्रॉ देयर सीडोपोडिया, बिकम स्फेरिकल आर स्टार लाइक, आउटसाइड कवर्ड बाई ट्राइलेयर्ड सिस्ट वॉल, देन इट्स न्यूक्लियस रेपिडेडली डिवाइड इंटू 500 डॉटर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई का सेंस, एक न्यूक्लियस में बहुत से छोटे छोटे न्यूक्लियस बने, उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है. जैसे न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है. जैसे आप लोग पढ़ते हो रेडियस, रेडियस क्या है, एक है, और रेडियाई बहुत सा है. जैसे पढ़ते हो अमीबा, बहुत सा बने अमीबी, जैसे बेटुल, बेटी है बेटुली. तो इस तरह से मतलब एक प्लूरल फॉर्म में नाम दे दिया जाता है. तो अब वो बाहर से सिस्ट वॉल से ढक जाएगा, अब अमीबा का वो न्यूक्लियस 500 टू 600 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाएगा और वो शेयर करेगा साइटोप्लाज्म के साथ और बदल जाएगा अमीबुली या सूडोपोडियो स्पोर के अंदर. और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगी तो अमीबुली या सूडोपोडियो स्पोर चेंज इनटू न्यू अमीबा. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन भी अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा. इनकेस ऑफ द स्पोरुलेशन अमीबा विड्रॉ सीडोपोडिया बिकम स्फेरिकल आर स्टार लाइक, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 200 क्रोमेटिन बार विच आउटसाइड कवर्ड बाई सिस्ट वॉल शेयर विद साइटोप्लाज्म चेंज इंटू अमीबुली आर बिकम स्पोर लाइक स्ट्रक्चर सो प्रोसेस कॉल्ड स्पोरुलेशन. मतलब ये हुआ अनफेवरेबल कंडीशन आने पर अमीबा की सीडोपोडिया गायब हो जाती हैं, वो स्फेरिकल या स्टार लाइक हो जाता है, उसके बाद उसके न्यूक्लियस डिवाइड करके 200 क्रोमेटिन बार बनाती हैं, वो फिर साइटोप्लाज्म के साथ शेयर करके बाहर से सिस्ट वॉल से ढक जाता है, जिसको स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको अमीबुली या सूडोपोडियो स्पोर कहा जाता है. फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होने के बाद वो अमीबुली या सूडोपोडियो स्पोर बाहर निकल गया और उससे नया अमीबा का फॉर्मेशन हो गया. तो ये मेथड स्पोरुलेशन कहलाता है. इसके बाद आता है इंसिस्टमेंट. इंसिस्टमेंट का मतलब होता है कि एडवर्स कंडीशन आने पर ये प्रोटिस्ट अमीबा बॉडी की आउटसाइड इसकी ढक जाती है सिस्ट के द्वारा, और वो सिस्ट की वजह से वो एक तरह से सर्वाइव करता है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन. तो इंसिस्टमेंट का मतलब सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, और इंसिस्टमेंट में ही ये दोनों हो गया, मल्टीपल फ्यूजन और स्पोरुलेशन. तो इस तरह से ये आप लोग जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़े. नेक्स्ट क्लास हम अगले लेंगे. थैंक यू.